बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे सब? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ सब ठीक ठाक होंगे। तो करते हैं जी अपने आज के व्लॉग का आगाज़। सुबह सुबह का टाइम है और सारे काम शाम ख़त्म किए हैं। दोपहर के लिए आटा गूंद कर रख के आई हूँ। तो अभी मैं खा रही थी तरबूज, तो कॉल की थी मैंने अम्मी और अब्बू जी को। आज वो फर्नीचर लेके आने वाले थे, लेकिन अबू कह रहे थे कि उन अंकल को कॉल किया है तो उन्होंने कहा कि कल इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो है ना 8 बजे हम यहाँ से चल पड़ेंगे, मतलब निकल जाएंगे यहाँ से ना लेके। तो बस फिर मैंने सोचा कि आज अबू लोग तो आ नहीं रहे, तो मैं ना लसूटे जो है ना उनका अचार डालती हूँ तुड़क के, मतलब तो उनको फ्राई करके। कैसे करूँगी, क्या करूँगी, किस तरह बनाऊँगी अचार लसूटे का, वो मैं इंशाल्लाह इसी वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। वीडियो के एंड तक लास्ट में देखिएगा, फुल वॉच कीजिएगा वीडियो को। सबसे पहले जो है ना मैं खा लूँ तरबूज, उसके बाद ठंडा उसके बाद फिर ना लसोटे लेके आती हूँ। अभी रोटी नहीं बनानी दोपहर की, लसूटे लेके आती हूँ तो फिर बाद में ना रोटी बनाऊंगी। मौसम ज़बरदस्त साफ है। ये कल जो न्यू जानवर लेके आए ना कुर्बानी का, ये बेचारा बोल रहा है। ये जो लसूटे इस तरह से इनका निकाल के ना अंदर से इनको इनकी गुठली निकाल के, कुछ कुछ तो अंदर से पीले हो रहे हैं, मोटे मोटे जो है ना ये तोड़ लेती हूँ। दोनों हाथों से ना कोई किताब को तो जोड़ने तो लिया में कोई गूंद आया जी अजीब जहाँ तुड़कने ਤੁੜਕ ਕਤਨੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਵਾ ਕਿ ਪੱਕੇ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਾ। ਬਸ ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਨਾ ਐ ਵੇਖਿਆ ਪੱਕਣ ਲੱਗ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜੇ ਪੀੜੇ। ਵੇਖਿਓ ਮੈਂ ਪਸੰਦ ਜਦੋਂ ਆ ਗਏ ਨਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈ ਜਾਂ ਤਾਂ ਆ ਗਏ ਨਾ ਕੋਲ ਤੇ ਇੰਗਰ। ਹਾਂਜੀ ਅਮੀ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਅਮੀ ਤੇ ਖਾਲਾ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪਾਏ ਸੁਪਿਆ ਚਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਨਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਖੁਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਟਰਾਈ ਕਰਨ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਰ ਅਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਪਾਰ। ਅੰਮੇ ਭਾਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਗਏ ਸਨ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਲਓ ਭਾਈ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀ। ਅਮਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਨੀ ਆਵੇ ਚਾਰ ਪਾਇਆ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ
ਫਿਰਕਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੁੜਕ ਲੈ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਬਾਹਰੋਂ ਪੱਕ ਜਾਂਦੇ। ਗਲੂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਖਾ ਲਿਆ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਗਿੱਲੇ ਆ।
ਦੱਸਿਆ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਡੱਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖੋ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪਲੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਏ ਸੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਗਏ ਨਾ ਟੱਕ ਕੇ ਰੱਖ ਉਦੋਂ ਨਾ ਉਹ ਮਹਿਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਸਕਿਟ ਦਿੱਤੇ ਨਾ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਬਿਸਕਿਟ ਸਾਰੇ ਲੱਗ ਗਏ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਤੂੰ ਬਿਸਕੁਟ ਲੈ ਲਾ ਆਪਣੇ ਦੋ ਦੋ ਨਾਲ ਬਿਸਕੁਟ ਬਸ ਆ ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮਹਿਮਾਨ ਹੀ ਆਏ ਸਨ ਬਲੈਂਡ ਲੈ ਗਿਆ ਮੈਂ ਕੋ ਹੈਪੀ ਯਾਰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਲਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਨੂੰ ਆਦੇ ਤੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਖਾਂਦੀ ਇੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਦੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਖਾਈ ਜਾ ਫੇਰ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਦਾ ਅਰੇ ਹੋਰ ਮੈਂ ਖਾਈ ਜਾ ਤੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸਰਦੀ ਨਾ ਕਰਨਾ ਚੱਲ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਚ ਕਦੀ ਨਾ ਕੋ ਨਾ ਅਰੇ ਤੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਛਾਵਾਂ ਤੂੰ ਖਾਂਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਆਦੇ ਕੱਲ ਮੈਂ ਆਦੇ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜੜਾ ਡਾਇਆ ਮੈਂ ਕਿ ਕਿਉਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਕਾਈ ਵਾਸਤੇ ਸਿਰ ਖਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਖਾਈ ਸਾਫ ਤਾਂ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਆਪਣਾ ਫਿਊਚਰ ਪਲੈਨਿੰਗ ਵੀ ਕਰੋ ਲੇਕਿਨ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਖਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਬਸ ਭਾਈ ਖਾਓ ਪਹਿਲਾਂ ਖਾਓ ਬਾਅਦ ਚ ਕੇ ਹੋਰ ਕਰੋ ਅੱਛਾ ਜੀ ਇਸਕੋ ਨਾ ਐਸੇ ਆ ਬੈਠਿਆ ਲੈ ਆਏ ਪੀੜੇ ਪੀੜੇ ਨਾ ਆ ਵੇਖਿਆ ਕੈਮਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਉੱਲੂ ਬਣਾਇਆ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਇਆ फर्स्ट टाइम मैं ये रेसिपी ट्राई कर रही हूँ मुझे इतना खास पता नहीं है मैंने ना अपनी खाला को देखा था तो किस तरह से ना इसका अचार बना रही है लहसुन का अचार अभी मैं करती हूँ अम्मी जी को कॉल अगर उन्होंने उठा दी तो फिर उनसे पूछती हूँ क्योंकि ऐसे पहले बॉइल करके तो मुझे ये नहीं पता कि नमक मिर्ची जो है ना वो कब डालनी है तो पूछती हूँ मैं अम्मी जी से और खाला जी से क्योंकि जब मैं पिछली दफ़ा गई हूँ ना तो खाला जी ने ना अचार डाला हुआ था शायद मैंने एक आपको एक व्लॉग में दिखाया भी था जहाँ पे हम लोग ना छूटे तोड़े हैं पूछती हूँ मम्मी जी से अगर उन्होंने कॉल उठा ली तो ही ना अच्छा जी जैसे वो कॉल उठाएंगे ना तो फिर मैं आप लोगों मतलब दिखाऊंगी वीडियो में पूछूंगी आपके लोग के सामने किस तरह से ना मिर्चे नमक मिर्ची डालते हैं अभी काले उठारे शायद नेटवर्क का मसला है वहाँ तो शायद वाईफाई बंद होगी इस वजह से ट्राई करती रहूंगी अगर नंबर मिल गया ना उनका इंशाल्लाह इसी वीडियो में मैं कंप्लीट रेसिपी जो है ना वो आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ आज तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आप लोग जो है ना इस तरह कौन कौन इस तरह से कौन सिस्टर हैं कौन आंटी लोग हैं जो इस तरह से अचार डालते हैं कच्चे लहसुन का अचार जी मेरा लहसुन का अचार बन के अब मैं इसको निकाल लेती हूँ एक है मेरे पास ना छोटी बाल्टी उसमें ठंडे हो जाएंगे फिर इसमें मैंने नमक मिर्च और हल्दी पाउडर जो है ना वो ऐड कर दूंगी अभी फ़िलहाल मैं इस गर्म तेल से ना इनको निकाल लेती हूँ लेके आती हूँ कोई चीज़ तो निकालती हूँ इनको यहाँ पे ये मेरे पास मसाला पहले पड़ा हुआ था मैंने उस दिन ना मिर्चों को लगाया था अभी इसके अंदर लाल मिर्च थोड़ी ऐड कर देती हूँ बस इतना काफ़ी है इसमें सूखा धनिया भी है और इसके अंदर सूखा धनिया लाल मिर्च का पाउडर हल्दी पाउडर नमक सारी चीज़ें हैं इसमें तो ये मैंने लिया है बॉल ये देखें अच्छा जी इनको निकालती हूँ इनके अंदर से मम्मी जी कह रही थी कि इसको ना बाद में रखना फ्रिज में देखिए फाइव
फाइनली हमारी जो सूटी की टी शर्ट है वो तैयार हो चुकी है। रेसिपी अगर पसंद है तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैंने पहले भी पूछा है, पहले भी कहा कि कौन कौन आंटी कौन आपी जो मतलब इस तरह का अचार बनाती हैं, कच्चे लसूटे का अचार। अब ये तेल जो है ना ये गर्म हो चुका है, इसको ठंडा करेंगे तो जानवरों को दे देंगे। ये देखिए कितनी इनकी ना आवाज आ रही है, ये देख लें इस तरह से आवाज आनी चाहिए। देखिए ये रही जी,